हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस सीटा चैनल। दिस इज सुनील शर्मा। डिस्कस करेंगे आज फ्रैक्शन। टॉपिक का नाम है फ्रैक्शन। बेसिकली सीटेट पेपर टू के लिए ये मैथ का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर टू की अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हैं तो उसमें फ्रैक्शन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम जानेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं, और इस तरह के जो फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। सबसे पहले हम समझ लेते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, फ्रैक्शन इज ए नंबर विच इज पार्ट ऑफ होल। होल का जो पार्ट है वो वाला नंबर, उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल से। जैसे एक बॉक्स है, बॉक्स के चार पार्ट हैं, तो चार पार्ट में एक पार्ट जो शेडेड पार्ट है, तो अगर मैं बात करूं कि जो शेडेड पार्ट है वो होल का जो ये जो बॉक्स है उसका कितना फ्रैक्शन है, तो ये यहाँ आंसर आएगा 1/4, क्योंकि जो शेडेड पार्ट है वो कितने पार्ट है, 1 पार्ट है। तो जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 4 पार्ट्स हैं, तो इसलिए ये आंसर आ गया 1/4। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाए तो 1/4। तो ऐसे ही 1/4, 2/4, 3/6, 9/12, तो ये सारे क्या होते हैं, फ्रैक्शंस। इन सभी को हम बोलते हैं फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस के दो पार्ट आते हैं, एक अपर पार्ट होता है, एक लोअर पार्ट होता है। जो अपर पार्ट होता है, जैसे यहाँ पे 9 है, तो जो अपर पार्ट होता है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, जो लोअर पार्ट होता है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रॉपर फ्रैक्शन की, फिर मैं बात करूंगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, 2/7, 1/2, और मैं लिखता हूँ 3/8। अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो जो अपर पार्ट है, न्यूमरेटर पार्ट है, वो डिनोमिनेटर पार्ट से छोटा है। तो जो न्यूमरेटर पार्ट डिनोमिनेटर पार्ट से छोटा हो, तो उस वाले केस को जो फ्रैक्शन बनेगा उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बेसिकली इसका उल्टा है। अभी हमने जो प्रॉपर फ्रैक्शन किए, जैसे 2/7, 1/2, तो ये मैंने दो एग्जांपल लिखी थी प्रॉपर फ्रैक्शन की। इसका उल्टा क्या आएगा, 7/2, 9/4। तो इस केस में क्या होता है, न्यूमरेटर पार्ट जो होता है वो डिनोमिनेटर पार्ट से बड़ा होता है, वो वाले जो फ्रैक्शंस बनते हैं उनको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मैं बात करता हूँ मिक्स फ्रैक्शन की। मिक्स फ्रैक्शन को भी थोड़ा समझ लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन जो होता है उसमें होल और एक पार्ट दोनों का मिक्सचर होता है। फॉर एग्जाम्पल 1/4, तो यहाँ पे 1+1/4 करें तो ये हमारा आंसर आएगा 1/4। तो यहाँ पे होल पार्ट क्या है 1, और पार्ट क्या है 1/4। फ्रैक्शन और होल दोनों को मिक्स किया जाए तो हमारा जो फ्रैक्शन बनता है वो है मिक्स फ्रैक्शन। ऐसे में लिखू 2/5/9, 3/1/2, तो ये सारे क्या है, मिक्स फ्रैक्शन। तो गाइज आपने देखा ना कैसे मैंने आपको प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और सम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सम यहाँ पे है, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। तो हमें शेडेड पोर्शन में देखना है कि वो कितना फ्रैक्शन बनता है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो शेडेड पार्ट है वो 2 पार्ट है। टोटल पार्ट कितने हैं इसके, 4 पार्ट है। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको, जो शेडेड पार्ट, टोटल पार्ट्स जो होता है डिनोमिनेटर होता है, और जिस पार्ट की बात की जाए वो न्यूमिनेटर होता है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 2/4। तो ये पहले का आंसर आ गया 2/4। अगर सेकंड क्वेश्चन को देखा जाए तो सेकंड में शेडेड पार्ट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो शेडेड पार्ट है 8 और टोटल पार्ट कितने हैं, 9। तो फ्रैक्शन क्या निकल के आएगा, 8/9। तो गाइस यहाँ पे एक चीज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा हमें बताता है कि किस चीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, और जो डिनोमिनेटर होता है वो हमें टोटल पार्ट्स के बारे में बताता है। तो न्यूमरेटर बताता है हमें पार्ट, वो वाला पार्ट जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं, और डिनोमिनेटर बताता है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में शेडेड पार्ट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, और जो अनशेडेड कितने, 4। तो ये आंसर आ जाएगा 4/, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 8। तो 4/8 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में शेडेड पार्ट 1 है और अनशेडेड पार्ट 3 है, तो टोटल पार्ट्स कितने हैं? शेडेड पार्ट 1 है, टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4। तो ये आंसर आ जाएगा 1/4। तो गाइस इस तरह हम शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है शेडेड पार्ट 3 है और टोटल पार्ट्स कितने हैं? 3/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जो टोटल पार्ट्स है वो 7 है, तो आंसर आ जाएगा 3/7। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, शेडेड पार्ट कितने हैं? 1, 2, 3। तो टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4, 4 एंड 4, ये 12। तो 3/12 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में शेडेड पार्ट कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 10। तो टोटल पार्ट्स भी 10 है और शेडेड पार्ट भी 10 है, इसमें फ्रैक्शन 10/10 आ जाएगा या 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में शेडेड पार्ट है 1, 2, 3, 4 शेडेड पार्ट है और टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 4/9 इसका आंसर आ जाएगा। तो गाइस देखा ना कैसे मैंने आपको सॉल्व करके बताया कि जब फ्रैक्शन हमने फाइंड करना है तो किस तरह हम फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट सम है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। तो यहाँ आवर टोटल पार्ट है और 40 मिनट्स की बात की जा रही है, तो 40 आएगा न्यूमरेटर और आवर, आवर में कितने मिनट्स होते हैं क्योंकि आवर है तो ये मिनट्स है तो हम एक जैसे यूनिट रखेंगे, तो आवर्स को, आवर्स में कितने मिनट होते हैं? 60। तो आंसर क्या आ जाएगा? 40/60। इसको कटिंग करके आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 2 और ये 3 पे कटाएगा, 2/3 आंसर आ जाएगा। तो जो कटिंग करके आपको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो तो आप 40/60 भी लिख सकते हो। तो ये था क्वेश्चन कि कैसे हम फ्रैक्शन फाइंड करते हैं, फ्रैक्शन को लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो गाइस अभी मैंने जैसे बात की थी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होते हैं जिसमें न्यूमरेटर जो होता है डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, वो जैसे फॉर एग्जांपल 7/2 और जैसे मैंने लिखा 3/2। तो जो न्यूमरेटर पार्ट होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, वो फ्रैक्शन जो होते हैं उनमें को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या सॉल्व करना है, इनको सॉल्व करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को। तो बेसिकली ये मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिया हुआ है, तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है तो डिनोमिनेटर को आपने होल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है और जो न्यूमरेटर है उसको प्लस करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमने 7 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ और प्लस करना है 3, तो नीचे 4 ही डिवीजन में रहेगा। 7/4 का कितना आएगा? 28 और 28+3/4, तो ये आ जाएगा 31/4। तो गाइस ऐसे ही आप फाइंड कर सकते हैं इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये जो आंसर आ गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। नेक्स्ट सम भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 5/7+6/7, तो ये आ जाएगा 35+6/7। इसलिए भी सीधा मल्टीप्लाई करके भी प्लस करके आंसर निकाल सकते हो। तो जैसे 7/5 = 35, 35+6 = 41, 41/7। तो इस तरह आप 41/7 सीधा डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे आपको मेथड से सॉल्व करके बता रहा हूँ कि किस तरह आंसर आया है। तो अगेन यहाँ पे 6 × 2 = 12 और 12+5 कितना हो गया? 17। तो ये आंसर आ जाएगा 17/6। तो गाइज इस तरह आप इस, जब भी आपके सामने इस तरह के सम्स आएंगे एग्जाम में तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कुछ और सम्स की। नेक्स्ट है टॉपिक कि कंपेयर करना फ्रैक्शंस को। फ्रैक्शंस को हम कंपेयर करने से पहले समझ लेते हैं कि लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं, क्योंकि दोनों केसेस में अलग अलग तरह के कंपेरिजन होता है। सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है a/d, मतलब न्यूमरेटर यहाँ पे a है और डिनोमिनेटर d है, और दूसरा जो फ्रैक्शन है वो है b/d। तो इस केस में क्या है, लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं? जिसका डिनोमिनेटर सेम हो वो लाइक फ्रैक्शन होते हैं, न्यूमरेटर अलग हो डिनोमिनेटर सेम हो तो वो होते हैं लाइक फ्रैक्शन। अब कंपेयर करना है लाइक फ्रैक्शंस को। लाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करना है ये हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे पहले एग्जांपल देखते हैं लाइक फ्रैक्शंस की। यहाँ पे एग्जांपल है 2/9 और सेकंड एग्जांपल हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए, तो 9 और यहाँ पे है 4/9।
तो मैंने कंपेयर करना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो इस केस में आपने ध्यान रखना है, जब भी लाइक फ्रैक्शन की बात हो रही हो तो लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होता है। जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा नीचे, तो जो न्यूमिनेटर पार्ट ग्रेटर होगा दोनों में से, वो वाला फ्रैक्शन हमेशा ग्रेटर होगा। तो आंसर ये यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, 4/9 जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटर आएगा लाइक फ्रैक्शन के केस में, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमिनेटर जो भी बड़ा होगा वो आंसर आएगा। अब मैं बात करता हूँ अनलाइक फ्रैक्शंस के। अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या केस होता है, उल्टा केस होता है लाइक फ्रैक्शन के। अनलाइक फ्रैक्शन केस में क्या होता है, न्यूमिनेटर सेम होते हैं और डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ लिखा 2/3 और 2/5, तो इस केस में न्यूमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो इस केस में हम कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉल है? तो इस केस में जो लाइक फ्रैक्शन के उल्टा है, लाइक फ्रैक्शन में क्या था, लाइक फ्रैक्शन में हम डिनोमिनेटर सेम होता था, जो न्यूमिनेटर बड़ा होता था हम उसको ग्रेटर मानते थे। लेकिन इस केस में उल्टा आएगा, इस केस में क्या होगा, जो डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूमिनेटर दोनों 2 है और डिनोमिनेटर यहाँ 3 और 5 है, तो इसलिए 3 जो 5 से छोटा है तो ये वाला पोर्शन जो है वो बड़ा आएगा। अगर आप इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करके भी देख सकते हो, जैसे 3 आपने रखा ब्रैकेट और डिवाइड किया 2 के साथ, तो 2 तो यहाँ 20 बन जाएगा, पॉइंट पे निकाल के देख सकते हो आप, 6 से किया 18, 2 बैलेंस बचा, तो अगर रफ आइडिया लें 0.6 आता है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे करें 5 को डिवाइड 2 से, 0 हमने कैरी किया तो यहाँ 0.4 20, तो यहाँ आंसर आता 0.4 और इस केस में आता 0.6, तो इसलिए 2/3 जो ग्रेटर है। तो मैंने जो ट्रिक बताई आपको, तो आपने वो रूल फॉलो करना है। उस रूल में क्या है, न्यूमिनेटर जब भी सेम होगा अनलाइक फ्रैक्शंस में, डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा, जो डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा, और लाइक फ्रैक्शन में क्या है, डिनोमिनेटर सेम होता है और उस केस में जो न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो यहाँ पे एक सम है, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। हमने चेक करना है कि ये जो फ्रैक्शंस हैं ये इक्वल हैं कि नहीं है। तो पहले वाला केस, तो आपने गाइस क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि आपका डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। आप और एक तो तरीका ये है कि आप डिनोमिनेटर सेम बना लें, फिर चेक किया जाए कि वो क्या आता है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है कि आपने देखना है किसी एक को डिवाइड करके देख लेना है। जैसे 5 है, 5 को मैं डिवाइड करके देखता हूँ 30 के साथ, तो क्या मेरा फ्रैक्शन बनता है। 5 को मैं 30 से डिवाइड करता हूँ तो 6 आंसर आता है। तो इट मींस उसी नंबर को मैंने डिनोमिनेटर और उसी नंबर को न्यूमिनेटर से मैंने मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या मेरा एग्जैक्ट आंसर सेम आता है कि नहीं। अगर मेरा आता है तो वो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है, अगर नहीं आता तो फ्रैक्शन मेरे इक्विवेलेंट नहीं आता। यहाँ क्या 5/6 का 30 और 9/6 का क्या आएगा 54, तो ये मेरा अगेन सेम आ जाता है, तो ये एक फ्रैक्शन जो इक्विवेलेंट है। अब सेकंड केस देख लेते हैं, 3/10, यहाँ पे फ्रैक्शन है 3/10 और दूसरा है 12/50, तो अगर मैं 10 को डिवाइड करूँ 50 के साथ तो 5 आता है, तो मैं 5 को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करूँगा, 5/3 का 15 नहीं आता, 10/5 का 50 तो आ जाता है लेकिन 3/5 का 15 नहीं आता, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये दो फ्रैक्शन है ये इक्विवेलेंट नहीं है। तो नेक्स्ट केस में है 7/13 और 5/11, तो यहाँ पे मैं दोनों डिफरेंट है, यहाँ से तो क्लियर ही हो जाता है कि ये डिविजिबल ही नहीं है 13/11 के टेबल पे, और 7 भी इसके डिविजिबल नहीं है, तो ये भी अनलाइक, ये भी इक्विवेलेंट नहीं है। आगे बात करते हैं कुछ और सम्स की। तो नेक्स्ट है कंपेयर द फ्रैक्शंस एंड पुट द एप्रोप्रिएट साइन। तो हमने साइन यहाँ पे पुट करने हैं, ग्रेटर देन का, इक्वल टू का, लेस देन का, इस तरह का आपको साइन पुट करने हैं। तो गाइस मैंने जो अभी आपको बताया था लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शन के केस में, मैंने बताया था कि कैसे आपने कंपेयर करना है कि वो इक्वल है कि नहीं। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता था, डिनोमिनेटर सेम होता था और ए अपॉन बी और बी अपॉन डी, डिनोमिनेटर सेम होता था और न्यूमिनेटर जो बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा आएगा। अनलाइक फ्रैक्शंस में, फिर रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, उसमें न्यूमिनेटर सेम होते थे
और जो डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है मींस ये लाइक फ्रैक्शन है। इस केस में क्या है, इस केस में हमने देखना है कि जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो उसकी तरफ ग्रेटर देन का साइन लगेगा। अब इस केस में 3/6 है और ये 5/6 है, तो ये 5 बड़ा है तो इसलिए यहाँ पे इस साइड ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा, दोनों डिनोमिनेटर सेम थे। अब ये केस सेकंड केस, सेकंड केस में न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर जब भी सेम होगा तो डिनोमिनेटर जो छोटा होगा वो बड़ा होगा फ्रैक्शन, तो यहाँ पे 4/7 से छोटा है तो इसलिए इस तरह का साइन आएगा, 1/4 फ्रैक्शन बड़ा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है 4/5। इस केस में अगेन 5 डिनोमिनेटर सेम है तो इस केस में जो बड़ा होगा न्यूमरेटर वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, तो यहाँ पे न्यूमरेटर 4 है और इस केस में न्यूमरेटर 5 है तो ये वाला फ्रैक्शन जो है वो बड़ा आएगा, 5/5 बड़ा आएगा। नेक्स्ट केस में क्या है, न्यूमरेटर सेम है, 3/3 दोनों में है और ये 3/5 है, ये 3/7, तो इस केस में जो डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, तो 5/7 से छोटा है तो इसलिए ये वाला फ्रैक्शन बड़ा आएगा, 3/5 वाला फ्रैक्शन बड़ा आएगा, तो साइन क्या आएगा, इस साइड ग्रेटर देन का साइन है। तो गाइस इस तरह आप पहचान कर सकते हो कि कैसे मैंने फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है, फ्रैक्शन दिए होंगे आपने साइन कैसे पुट करके आपने कंपेयर भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक और हम देख लेते हैं, यहाँ पे हाउ क्विकली यू साइन, आपने हाउ क्विकली यू कैन पुट द साइन, अगेन वही जैसे मैंने अभी एग्जांपल कराई थी वैसे ही ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू तीनों साइन में से कोई भी साइन देखते हैं, तो आपने चेक करना है कि न्यूमरेटर सेम है कि डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या था, फर्स्ट केस में है 1/2, 1/5, तो यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है और जो डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा, तो 2/5 से छोटा है तो इसलिए ग्रेटर देन साइन यहाँ पे आएगा। सेकंड केस को देखा जाए 2/4 है और क्या है 3/6 है, तो अगर कटिंग करी जाए तो 1/2 आता है, तो इसको भी कटिंग करी जाए 3/2 का 6 तो 1/2 आता है, तो ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल फ्रैक्शन है। नेक्स्ट थर्ड केस क्या है, 3/5 है और ये 2/3 है, तो दोनों में न्यूमरेटर भी सेम नहीं है डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है, तो इस केस में आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड यूज करना है। ये इस वाले केस में क्या करना है, आपने 3 को 3 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 5 को 5 के साथ, तो क्या आंसर आएगा, 3 को मल्टीप्लाई किया 3 और इधर 5 को किया हमने 2 के साथ, तो ये आ जाएगा 9, इस साइड आ जाएगा 10, तो जो साइड बड़ी होगी वो वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा, तो ये साइड जो आ रही है 10 आ रहा है, तो इसका मतलब जो 10 को रिप्रेजेंट करता है 2/3, तो 2/3 वाला केस बड़ा है, इस साइड ग्रेटर देन का साइन आएगा। अगेन यहाँ देख लेते हैं नेक्स्ट सम हमारा है, अगेन नेक्स्ट सम देख लेते हैं, नेक्स्ट सम है हमारा 3/4 है और 2/8 है, तो इस केस में क्या है, इसको देखते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यहाँ पे इसको कटिंग भी कर सकते हैं 2/1, 2/4, तो ये बन गया हमारा 3/4 और 1/4, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जो बड़ा होगा वो वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा, तो ये साइड 3/4 ग्रेटर है। नेक्स्ट फ्रैक्शन है, अगेन नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है उसमें 3/5 है और 6/5 है, तो इस केस में डिनोमिनेटर सेम है, जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा आएगा, यहाँ पे 6 3 से बड़ा है तो इस साइड ग्रेटर देन का साइन आएगा। नेक्स्ट है 7/9 और 3/9, तो अगेन यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर 7 बड़ा है इसलिए ग्रेटर देन का साइन आएगा। तो गाइस इस तरह आप फाइंड कर सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन का साइन आप लगा सकते हो, बहुत ही इजी है कंसेप्ट, बस कंसेप्ट समझने की बात है आपको, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन और लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन ये समझ आ गए कंसेप्ट, तो आप कैसे भी कंपेयर कर सकते हो उन फ्रैक्शन को। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, नेक्स्ट सम है यहाँ पे फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग, राइट द इंडिकेटर, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू शुड सॉल्व देम, आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इसको सॉल्व देखना है, इज 5/9
इक्वल टू 4/9 5 और नॉट। तो यहाँ पे क्या है 5/9 एक फ्रैक्शन है, नेक्स्ट है 4/5। हमने चेक करना है कि दोनों इक्वल है कि नहीं इक्वल। इस केस में हमने दोनों को चेक करना है कि दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो मेरे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। तो ये इस तरह का केस मैंने अभी बताया था, लास्ट हमने भी सॉल्व किया था। तो आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 को 5 के साथ और 9 को 4 के साथ। तो जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 5 को 5 के साथ और 9 को 4 के साथ, तो ये साइड क्या आ गई मेरी 25, ये आ गई 36। और ये वाली साइड ग्रेटर है तो इसलिए इस साइड का जो फ्रैक्शन है वो भी ग्रेटर आएगा। तो यहाँ पे ये हमें चेक करना था इज 5/9 इक्वल टू 4/9 5 और नॉट। तो ये इक्वल नहीं, तो यहाँ पे 5/9 और 4/5 तो ये ग्रेटर है। नेक्स्ट सम देख लेते हैं, नेक्स्ट सम है इज 9/16 इक्वल टू 5/9। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं 9/16 और दूसरा क्या है फ्रैक्शन 5/9। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस जब किया तो 9 × 9 यहाँ पे आ जाएगा 5 × 16 9×9 81 यहाँ इस साइड 80। तो ये वाली साइड ग्रेटर है तो इसलिए 9/16 जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटर आएगा 5/9 से। यहाँ पे अगेन इक्वल नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। इस सम में क्या है, फिल इन द मिसिंग फ्रैक्शन। तो आपने मिसिंग फ्रैक्शन लिखना है यहाँ पे, तो मिसिंग फ्रैक्शन क्या है वो देखना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इक्वल टू के दोनों साइड जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल है, तो हमें मिसिंग फ्रैक्शन, जब भी इस तरह का आए तो आपको मिसिंग फ्रैक्शन बनाना। तो यहाँ पे 3 आ रहा है, इस साइड 7 है, तो आपने 7 में से कितने माइनस करें तो 3 आता है 4। तो नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो 4 सेम बना देना है, आपने डिनोमिनेटर को सेम लिख देना है। तो ये क्या है 7/10 था, इस साइड क्या था 3/10 था, डिनोमिनेटर दोनों में सेम था। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो डिनोमिनेटर सेम रखेंगे इस साइड, तो 7 में से कितने माइनस करें ताकि आंसर इक्वल टू 3 आए, तो वो 4 आएगा। तो आंसर क्या आएगा मेरा 4/10। अगेन सेकंड सम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या -3/21। तो अगेन यहाँ पे 5/21। तो गाइज आप इसको कई मेथड से सॉल्व कर सकते हो। आपने डिनोमिनेटर देखा तो यहाँ माइनस का साइन है, तो इसको इक्वल टू के दूसरी साइड लेके भी सॉल्व कर सकते हो। 5 और 3 क्या आ जाएगा 8, तो यहाँ पे 8/21 आ जाएगा। डिनोमिनेटर सेम रखना है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम चल रहा है, तो यहाँ पे 8 − 3 कितना आएगा 5/21। इस तरह भी कर सकते हो, या फिर ये भी सोच सकते हो कि 3 किस में से माइनस करें तो आंसर 5 आए तो 8, तो जहाँ दूसरी साइड ले जाके उसको प्लस भी कर सकते हो। तो ये था कि कैसे हम फिल अप द ब्लैंक्स फिल करते हैं फ्रैक्शन के केस में। आगे बढ़ते हैं, एक और सम देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट सम है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज मिक्स फ्रैक्शन। हमने मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है। मेरा क्वेश्चन क्या है 20/3। तो मिक्स फ्रैक्शन हमने किया था गाइस, जैसे 1 1 4 और जैसे 2 5 9, तो ये होता है मिक्स फ्रैक्शन। तो इस फ्रैक्शन को अगर हम प्रॉपर लिखा जाए तो ये 4 मल्टीप्लाई होता है 1 के साथ, और जो 1 होता है वो प्लस होता है, यानी ये 4 मल्टीप्लाई होना 1 के साथ और जो आंसर आएगा उसके साथ 1 प्लस होगा। तो अगर ये 1 1 4 है तो इसको मैं बनाऊं तो 4 1 का 4 + 1, तो ये आ जाएगा 5/4। तो अगर इसको उल्टा करूं तो 5/4 को मैंने डिवाइड करके मैं लिख सकता हूँ, तो 1 1 4 ये मेरा आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शन। तो यहाँ पे केस क्या है 20/3, तो 20 को मैं रखूंगा अंदर और 3 के साथ मैं उसको डिवाइड करूंगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा 3 6 का 18 और बचा क्या मेरा 2। तो इसको मैं फिर इस तरह लिखूंगा कि नीचे जो डिनोमिनेटर है वो मेरा 3 ही रहेगा और जो डिनोमिनेटर मेरा 3 ही रहेगा, लेकिन जो यहाँ पे साइड होल पार्ट है वो कौन सा आएगा जिसके साथ मैंने डिवाइड किया था 6, तो ये आएगा, और ऊपर जो रिमेनिंग पार्ट आएगा वो ऊपर लिख दूंगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो 6 2/3 ये मेरा आंसर आएगा। ऐसे ही आप 11/5 को भी कर सकते हो, 11 को अंदर रखा 5 के साथ डिवाइड किया, 5 2 का 10 तो बचा 1, तो आपने क्या करना है 5 डिनोमिनेटर में रहेगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा होल पार्ट, तो 1 जो आ जाएगा मेरा न्यूमरेटर में।
इस तरह गाइस मैं सॉल्व कर सकता हूँ इस तरह के सम्स को। तो यहाँ नेक्स्ट सम है 17/7, तो मैं 17 को अंदर रखूंगा, 7 के साथ डिवाइड करूंगा, तो 17 2 का 14, तो मेरा बचा 3, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2, 7 और 3। तो इस तरह मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ इस तरह के जो सम्स हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे रिप्लेस, अगेन बॉक्स को रिप्लेस करना है आपने करेक्ट नंबर में। तो गाइस इस तरह के सम भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन दिया हुआ 2/7 और दूसरी साइड क्या है 8/बॉक्स। तो आपने क्या करना है, जो पार्ट आपको दिया हुआ है, आपने जैसे न्यूमरेटर दिया हुआ है फर्स्ट केस में, और इधर न्यूमरेटर जो है उसको डिवाइड कर देना है ताकि वो सेम हमें आंसर मिल सके। तो ये 2 4 का 8 होता है, तो मींस 4 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद 8 मिलता है, तो नीचे भी 4 के साथ करना है। जैसे ये 2/7 है और इक्वल टू है यहाँ पे 8 और नीचे वाला पार्ट हमने मिसिंग फाइंड करना है। तो ये न्यूमरेटर और इसको हमने 4 का मल्टीपल है, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आता है, तो फिर डिनोमिनेटर को भी हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 का 28, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 28। नेक्स्ट सम देखते हैं, नेक्स्ट है 5/8 है और 10/ हमने फाइंड करना है। तो 5 2 का 8 होता है, 2 का मल्टीपल है, तो डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो ये 16, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 16। नेक्स्ट हम थर्ड देखते हैं, थर्ड है 18/24 इक्वल टू नीचे 4 है, तो ये 4 को हमने इसके साथ डिवाइड कर देना है। मैंने अभी बताया कि जो मिसिंग पार्ट होता है हमने देखना है, डिनोमिनेटर यहाँ दिया है, पहले न्यूमिनेटर दिया था, तो डिनोमिनेटर 4 को डिवाइड करेंगे 24 के साथ तो ये 6 आएगा, तो इसका मतलब 4 के साथ 6 मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है। तो इस तरह ऊपर वाली टर्म को भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिविजिबल यहाँ पे 18 आएगा, 6 को डिवाइड करेंगे 18 तो ये आ जाएगा 3, 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है, तो इसलिए आंसर आ गया हमारा 3/4। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सम है यहाँ पे 45/60 दिया हुआ है और इक्वल टू है यहाँ पे 15 दिया हुआ है, न्यूमरेटर में 15 है, तो यहाँ 15 को हमने डिवाइड किया 45 के साथ तो ये आ गया 3, इसका मतलब 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 45 आता है। तो किस नंबर को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ ताकि वो 60 आए, ये आ जाएगा 20, तो आंसर आ जाएगा 15/20। तो गाइस ये थे कुछ सम, यहाँ पे मैंने आपके साथ फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया कि फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे हम फ्रैक्शन के सम जो आएंगे उसको कैसे फेस करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, फिर मिलेंगे हम फ्रैक्शन के एक और कंसेप्ट, नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।